दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए कर्मों में इतनी अधिक ताकत, इतनी अधिक शक्ति होती है कि वो एक दिन ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंच ही जाते हैं। जब भी हम किसी के साथ अच्छा करते हैं या फिर किसी के दिल को तड़पाते हैं, उसे रुलाते हैं, तो हमारे यह एक एक मिनट का कर्म भी ऊपर ईश्वर की अदालत में रिकॉर्ड हो जाता है। इस दुनिया की अदालत में हम एक अच्छा वकील करके अपने बुरे कर्मों की सजा से बच जाते हैं, परंतु इस दुनिया से ऊपर एक ईश्वर की अदालत भी है, जहां बड़े से बड़ा वकील भी हमें नहीं बचा सकता, क्योंकि ईश्वर की इस अदालत में जज भी ईश्वर है और न्याय भी ईश्वर ही करते हैं। और जब ईश्वर न्याय करते हैं, जब ईश्वर की न्याय की चक्की चलती है, तो यह पिस्ती बहुत बारीक है। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी। राजस्थान के किसी गाँव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में रहते थे राम प्रसाद और उनकी पत्नी तथा उनका इकलौता बेटा मोहन। राम प्रसाद ने एक किसान होने के बावजूद मोहन को कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया और फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेज दिया। मोहन ने शहर जाकर MBA की पढ़ाई पूरी की और फिर शहर में ही किसी प्राइवेट कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। अपने बेटे को पांव पर खड़ा देखकर राम प्रसाद बहुत खुश थे और अब उन्हें चिंता थी मोहन की शादी की। राम प्रसाद अपनी बेटी की शादी एक घरेलू और संस्कारी लड़की के साथ करना चाहते थे और उनकी यह इच्छा भी ईश्वर ने पूरी कर दी, जब उसी गांव के साहूकार अपनी बेटी रमा के लिए मोहन का हाथ मांगने उनके घर आए। रमा ने गांव के स्कूल से ही मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद वह अपनी माँ के साथ घर के काम काज में हाथ बटाने लगी। राम प्रसाद जी जानते थे कि रमा एक अच्छी और सुशील लड़की है, इसलिए उन्होंने मोहन के साथ रमा का रिश्ता पक्का कर दिया। मोहन गांव की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, परंतु अपने माता पिता के सामने मोहन की एक ना चली और आखिर एक दिन वो भी आया जब मोहन और रमा दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के पश्चात रमा मोहन के साथ शहर आ गई। कहते हैं कि पत्नी घर की गृह लक्ष्मी होती है, जो एक मकान को सवार कर घर बना देती है। रमा ने भी आते ही अपनी समझदारी और सूझबूझ से मोहन के छोटे से दो कमरों के फ्लैट को एक सुंदर घर बना दिया। रमा सुबह जल्दी उठकर ईश्वर की पूजा करती और उसके पश्चात वह मोहन के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। एक अच्छी पत्नी का फर्ज निभाते हुए वह मोहन की सभी जरूरतों का ध्यान रखती थी। मोहन भी उसके अच्छे व्यवहार से, उसकी समझदारी से खुश था, परंतु फिर भी एक बात मोहन को हमेशा खटकती रहती थी और वह थी रमा का ज्यादा पढ़ा लिखा ना होना। रमा गांव के परिवेश में पली बड़ी थी और इसीलिए उसका रहन सहन भी गांव वालों की तरह था और यही बात मोहन को हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन मोहन के ऑफिस में एक नई लड़की ने ज्वाइन किया, नाम था दीपा। दीपा देखने में काफी सुंदर, स्मार्ट और तीखे नाक नक्श वाली थी। मोहन ने जब उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। दीपा का अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल, उसका फ्लुएंट इंग्लिश में बात करना, यह सब देखकर मोहन दीपा पर पूरी तरह से रिझ गया। उसने धीरे धीरे दीपा से अपनी जान पहचान बढ़ाई और धीरे धीरे यह जान पहचान दोस्ती में बदल गई। अब तो मोहन और दीपा बाहर भी मिलने लगे। दीपा से मिलकर मोहन खुश रहने लगा था और उधर घर पर रमा भी मोहन के व्यवहार में आए हुए इस बदलाव को अच्छी तरह से महसूस कर रही थी, परंतु फिर भी वह खामोश थी। इसी तरह दिन महीने गुजरते चले गए और मोहन और दीपा के प्रेम संबंध भी गहरे होते चले गए। और आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब मोहन और दीपा ने एक साथ जीवन गुजारने का फैसला कर लिया। लेकिन यह तभी संभव था कि जब मोहन रमा से तलाक ले ले। और इसी उद्देश्य से एक दिन अचानक ही मोहन दीपा को घर लेकर आ गया और फिर रमा को अपनी पूरी प्रेम कहानी सुना दी। उस भोली रमा पर तो जैसे बिजली ही टूट पड़ी। अभी वह संभल भी ना पाई थी कि मोहन ने उसे एक और झटका दिया। रमा, मैं दीपा के साथ शादी कर रहा हूँ, इसलिए तुम इन तलाक के पेपर्स पर साइन कर दो और मुझे इस अनचाहे बंधन से मुक्त कर दो। रमा को ऐसे लगा कि जैसे यह पूरी धरती फट गई है। वह चीखे मार मार कर रोने लगी, तड़पने लगी और मोहन के चरणों में गिर कर गिड़गिड़ाने लगी। नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आप तो मेरे भगवान हैं, आपके बिना मैं कहाँ जाऊंगी। यदि आप दीपा से संबंध रखना चाहते हैं तो बेशक रखिए,
मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी, लेकिन भगवान के लिए मुझे तलाक मत दीजिए। परंतु प्रेम में दीवानी उस मोहन को रमा का रोना और पिलखना दिखाई ही नहीं दिया और वह उसे अकेला छोड़ दीपा के साथ उस घर से बाहर चला गया। खबर मिलते ही मोहन के माता पिता भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मोहन को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु मोहन तो दीपा के प्रेम में अंधा हो चुका था। तब दुखी होकर मोहन के माता पिता रमा को अपने साथ गांव ले गए और फिर कुछ समय के पश्चात मोहन ने रमा से तलाक भी ले लिया और दीपा से शादी कर एक नए घर में एक नया जीवन बिताने लगा। शादी के कुछ दिनों के पश्चात ही धीरे धीरे दीपा का असली रूप मोहन के सामने आने लगा। दीपा सुबह देर से उठती थी, वह घर का कोई कामकाज न करती और मोहन पर अपनी कमाई का रोब दिखाती थी। दीपा की ये सब रंग ढंग देखकर मोहन को सीधी सादी रमा की याद आती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कहते हैं कि नियति कभी भी अपने पास कुछ वापस नहीं रखती। जो दर्द जो तकलीफ हम किसी और को देते हैं, वही दर्द वही तकलीफ एक दिन लौट कर हमारे पास वापस आता है, और यही मोहन के साथ हुआ। एक दिन मोहन जब अपनी मोटर बाइक पर बाजार की तरफ जा रहा था तो एक तेज स्पीड से आती हुई गाड़ी ने उसकी मोटर बाइक को टक्कर मारी और मोहन का एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल में जब मोहन को होश आया तो उसे पता चला कि उसका एक पांव कट चुका है और वो हमेशा के लिए अपाहिज हो चुका है। मोहन इस वज्रघात को अभी झेल भी ना पाया था कि तभी एक और बड़ा झटका उसे उसकी पत्नी दीपा ने दिया। जब दीपा ने उससे कहा, मोहन मैं जा रही हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं एक अपाहिज के साथ अपना पूरा जीवन बर्बाद नहीं कर सकती, और ऐसा बोलकर वह मोहन को उस हाल में अकेला छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चली गई। दीपा के जाने के पश्चात मोहन उस हॉस्पिटल में अकेला बिस्तर पर लेटा लेटा चीखे मार मार कर रोने लगा, तड़पने लगा, परंतु आज उसके रोने को देखने वाला वहां कोई नहीं था। वह बिल्कुल असहाय, अकेला और अपाहिज हो चुका था। ईश्वर का न्याय तो देखो, एक दिन इसी मोहन ने अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी को रोते तड़पते अकेला छोड़ दिया था, और आज ठीक उसी तरह मोहन की दूसरी पत्नी दीपा उसे इस हाल में अकेला छोड़कर चली गई थी। आज मोहन के सारे पाप एक एक करके उसके सामने आ गए थे। आज ऊपर ईश्वर की अदालत में न्याय हो चुका था और ईश्वर के इस न्याय की सजा अब मोहन को भोगनी ही थी। आखिर किसी ने सच ही कहा है, जब ईश्वर न्याय करते हैं, जब ईश्वर के न्याय की चक्की चलती है तो यह चक्की चलती जरूर थी में है, परंतु पिस्ती बहुत बारीक है। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।